रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे टेक्निकल ई गुरुजी चैनल में, जहां आज हम आपको टेक्निकल रैप सेक्शन में बताने वाले हैं पांच बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की पांच टेक्नोलॉजी न्यूज़। दोस्तों पहली न्यूज़ आ रही है Xiaomi की ओर से। हाल ही में Xiaomi ने अपने लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन Redmi Y2 को भारत में लॉन्च किया था। अब भारत में ही कंपनी ने चार और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, लेकिन दोस्तों ये चारों प्रोडक्ट्स उनके स्मार्टफोन लाइनअप से संबंधित नहीं है। जो नए प्रोडक्ट्स भारत में लॉन्च किए गए हैं उसमें MI रोलर बॉल पेन, जी हाँ दोस्तों, अब MI रोलर बॉल पेन भी बना रहा है। इसके अलावा MI ट्रैवल यू शेड पिलो, ये यू शेप्ड के पिलो होते हैं, और MI आई लव MI टी शर्ट, और MI बैंड 2 और MI बैंड HRX के लिए चार्जिंग केबल भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों दूसरी खबर आ रही है जियो की ओर से, जिसमें रिलायंस जियो से मुकाबले के बीच एयरटेल ने अपने 99 रुपये वाले प्रीपेड पैक को अपग्रेड कर दिया है। अब इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2 GB का डेटा भी दिया जाएगा। पहले इस प्लान में केवल 1 GB का डेटा दिया जाता था। दोस्तों एयरटेल के इस प्लान की तरह जियो के पास भी 98 रुपीज का प्लान है, जिसमें 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS के साथ 2 GB 4G डेटा भी दिया जाता था। दोस्तों तीसरी खबर आ रही है स्मार्टफोन मार्केट की ओर से। दोस्तों तेजी से विकसित होते स्मार्टफोन बाजार में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के उद्देश्य के साथ चीनी हैंडसेट निर्माता होमटोम मिड रेंज सेगमेंट में स्मार्टफोन की नई सीरीज के साथ भारतीय बाजार में उतरने जा रही है। कंपनी ने जानकारी दी है कि शुरुआत में 5 मिड रेंज स्मार्टफोन मॉडल्स उतारे जाएंगे। इन स्मार्टफोन की कीमत मात्र 8,000 रुपये से शुरुआत होगी। दोस्तों अगली खबर आ रही है डेल की ओर से। जी हाँ, डेल ने भारत में अपने ऑप्टिक लेंस ऑल इन वन, जिसे AIO, और ऑप्टिक लेंस टावर के नए लाइनअप को लॉन्च कर दिया है। इन नए लाइनअप का विस्तार ऑप्टिक लेंस सीरीज के 25 साल पूरे होने के मौके पर किया गया है। इन्हें 8th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। दोस्तों अगली खबर आ रही है स्मार्टफोन के सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाले यूनिट्स के संबंध में। जी हाँ, वन प्लस को अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन वन प्लस 6 के लिए काफ़ी बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है। इन स्मार्टफोन ने कंपनी को 24 घंटे के भीतर 100 करोड़ रुपए कमा के दे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ रुपए मात्र 24 घंटे में। अब कंपनी ने जानकारी दी है कि दुनिया भर में अब तक इस स्मार्टफोन के 10 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स बिक्री हो चुकी हैं। खास बात यह है कि यह आंकड़ा स्मार्टफोन के लॉन्च होने के महज 22 दिनों में ही छू लिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पांच टेक्नोलॉजी रिलेटेड खबरें आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की बहुत सी खबरें हम लोग डेली अपलोड करते हैं। आप उन सबको जानने के लिए, अपने को अपडेट रखने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी कमेंट्स हैं, आप कोई किसी और सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं या कोई आप चाहते हैं कि हम लोग वो सेक्शन ऐड करें या मॉडिफाई करें, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में।